अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। अब तक आपने देखा निखिल और अनमोल की शादी का सच सामने आते ही, जहां एक ओर रतन सिंह अनमोल से सारे रिश्ते तोड़कर उसे घर से निकाल देते हैं, वहीं दूसरी ओर अपने बेटे निखिल के उठाए कदम से परेशान अशोक तिवारी उसके लिए अपने घर के दरवाजे बंद कर देते हैं। अपने पिता द्वारा घर से निकाले जाने से सड़क पर आ चुका निखिल अनमोल को एक आसरा मिल जाने की खुशखबरी देता है। इधर अनमोल के उठाए कदम से समाज में हो रही बेइज्जती से बौखलाए बत्रा साहब रतन सिंह को बर्बाद करने की धमकी देते हैं कि तभी निधि की शादी सुशांत से करने का फैसला सारे परिवार के चेहरे पर खुशी की लहर ले आता है। अब आगे क्या आप लोग अपने घर की इज्जत और हमारे घर की इज्जत बचाने के लिए हमारी निधि को अपनी बहू बनाएंगे? अगर सुशांत को कोई प्रॉब्लम नहीं तो हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? भाई साहब, अरे सुषमा, पानी लाओ जल्दी। सुषमा, पानी लाओ जल्दी से। वाइफ जी, याद है जब हमने शादी की थी तो सात फेरे लिए थे और उन सात फेरों के साथ सात प्रॉमिसेस भी लिए थे, तो अब उन प्रॉमिसेस को निभाने का वक्त आ गया है। अनमोल, भले ही कितनी मुश्किलें हों, जब तक हम साथ में हैं ना, हम हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, है ना? ओम स्वास्तिना इंद्रो वृद्धि सर्वा स्वास्तिना पुखा पृथ्वीदा स्वास्तिना अतः निष्णमी स्वास्तिना बृहस्पतो दयातु। ओम शर मंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके सने त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौड़ो ध्वजा। तुमने क्या क्या नीला, अपने मतलब के लिए अपनी बेटी की ये बलि चढ़ा दी? कैसी बातें कर रहे हैं आप? चुप बैठिए। तो पहली बार मैंने निधि और हमारे भविष्य के लिए कुछ किया है, आपको उसमें भी दिक्कत है? देखिएगा हमारी निधि कितने भाग से रहेगी और अनमोल दर दर की ठोकरें खाएगी। अरे आप ये देखिए ना, बेटी की शादी है। नमस्ते। अनमोल नाम है ना तुम्हारा? मुझे किशोर ने बताया, विदा होकर आई हो ना? ज्यादा तो नहीं, नई नवेली दुल्हन की आरती तो उतार ली। खुश रहो, आओ अंदर आ।
चल बैठ लो पानी लो पानी। भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा ऐसे बनाए रखे। थैंक यू आंटी, थैंक यू वेरी मच। आपने हमारे इतने डिफिकल्ट टाइम में हमें आपके घर पे रहने को जगह दी। वेरी वेरी ग्रेटफुल। आजकल के बच्चे भी ना बहुत ज्यादा बातें बनाते हैं। अरे मैंने तो कुछ भी नहीं किया। नई नवेली दुल्हन का हर जगह पे ऐसे ही स्वागत किया जाता है। अच्छा सुनना किशोर, बोला यार किराया भी डिसाइड कर लेते हैं। आंटी और तू मिलके इतनी मदद तो कर रहे हैं, पर हम ऐसे फ्री में तो नहीं रह सकते ना यार। तो एक काम कर, अभी बाहर निकल। क्या बहुत पैसे आ गए ना तेरे पास? चल एक काम कर, मेरी और मेरी माँ की फॉरेन ट्रिप की टिकट बुक करो। पैसे की बात मत कर यार। और वैसे भी तू ब्राह्मण है, ब्राह्मण के पैसे खा के मुझे नरक में थोड़ी जाना है। इसकी मजाक करने की आदत कभी जाएगी नहीं। वैसे किशोर सही कह रहा है, पैसे की चिंता तुम दोनों मत करो। जब तक तुम दोनों का कहीं रहने का ठिकाना नहीं होता, आप आराम से यहाँ रहो। और वैसे भी नई नवेली दुल्हन का घर में पांव पड़ना बहुत ही शुभ माना जाता है। मैं तो चाहती थी कि तुम दोनों का बहुत अच्छे से स्वागत करूं, लेकिन मेरे से जितना बन पाया मैंने उतना किया। इतना भी बहुत है आंटी, हमारे घर वालों ने तो इतना भी नहीं किया। कैसी शादी थी मेरी, ना ठीक से विदा हो पाए और ना अपने नए घर में ठीक से वेलकम। किशोर चल मेरे साथ, इन दोनों को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दे। अनमोल मैं नहीं जानता कि तुमसे क्या कहूं, कैसे तुम्हारा दर्द कम करूं, और ये भी नहीं कहूंगा कि मैं तुम्हारा दर्द महसूस कर सकता हूं, क्योंकि वो तो एक लड़की ही समझ सकती है ना कि जब वो अपना घर छोड़ के आती है तो वो कैसा फील करती है। देखो तुम बिल्कुल मत घबराओ, हम साथ हैं, सब ठीक होगा। हेलो हेलो निधि, अरे निधि तू अब तक रो रही है? अरे तेरी शादी मैंने इतने बड़े घर में करवा दी है, अब तो ना तू जिंदगी में ऐश करेगी। मम्मा आपने मेरी शादी सुशांत के साथ क्यों करवा दी, यही सोच रही है ना तू? अरे मैं तेरी माँ हूँ और अपनी औलाद का ख्याल अगर माँ नहीं रखेगी तो कौन रखेगा? निधि एक बात बता, जिस होटल में तू और सुशांत ठहरा है वो होटल बहुत अच्छा है ना? मतलब वो भाई साहब ने सुशांत और उसके घर वालों को जहाँ ठहराया था उससे तो बहुत ही बेटर होगा, है ना? निधि तू क्यों अब तक रो रही है? हमारी याद आ रही है तुझे? अरे पागल तेरी विदाई हो चुकी है, तेरी शादी हो गई है सुशांत के साथ और अब तो तुझे अपनी सारी जिंदगी उनके साथ ही बितानी है ना? देख निधि इस सच को तू जितनी जल्दी मान लेगी ना तेरे लिए उतना ही अच्छा होगा। अच्छा एक बात बता, नई नवेली दुल्हन को तोहफे क्या क्या मिले? वही मम्मा जो हमेशा लोग देते हैं, सारी ज्वेलरीज। देखा निधि
इतने बड़े घर में शादी करवाने का फायदा? अरे पहले दिन ही तुझे चमचमाती साड़ियां और इतनी सारी ज्वेलरी मिल गई। अब आगे देख जिंदगी में क्या होगा, रानी बना के रखेंगे तुझे। उसके लिए ना तुझे सुशांत और उसके माँ बाप का बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। निधि, तू ख्याल रखेगी ना उनका? जी मामा, मैं पूरी कोशिश करूंगी। ये हुई ना बात। अच्छा सुन, अपना मैं फोन रखती हूँ, यहाँ बहुत सारे काम पड़े हैं। और तू भी एक काम कर, अपने आंसू पोंछ के ना अच्छे से तैयार हो जा। हाँ चल बाय। ओ, बहुत ज्यादा थक गया हूँ आज मैं, थकान कुछ ज्यादा ही हो रही है। किसने कहा था इतना वजन उठाने के लिए आपसे? बेटे मैं इस बोझ की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे सर पर जो कर्ज का बोझ है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कोई मामूली रकम नहीं है, पूरे 2 करोड़ चाहिए हमें। मैं जानता हूँ डैड, मुझसे जो हो रहा मैं कर रहा हूँ ना। हाँ हाँ जानता हूँ बेटा, पर अपना दिमाग ठंडा रख तू, ज्यादा गुस्सा करना भी ठीक नहीं है। वैसे भी मामला बिगड़ते बिगड़ते सुधरा है, अनमोल ना तो ना सही, रतन सिंह के खजाने की कम से कम दूसरी चाबी निधि के रूप में तो हमारे को मिल गई। सही है डैड, वैसे भी निधि हो या अनमोल हो क्या फर्क पड़ता है, हमारा निशाना तो रतन सिंह की दौलत है। अब देखिए मैं ये रस्मों की आड़ में कैसे अपना काम निकलवाता हूँ। रस्मों से याद आया बेटा, तू आज शाम को ही निधि को पग फेरे की रस्म के लिए ले जा, और हम दोनों भी दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। क्यों? ठीक बेटा, हमारे पास सिर्फ 1 महीने का वक्त है, इस 1 महीने में तुम रतन सिंह के तिजोरी से जितना पैसा निकाल सकते हो निकाल लो, वरना हमारा ये जो घर है ना वो भी नीलाम हो जाएगा। ठीक है दादा, मैं कुछ करता हूँ। निधि बेटा, तुम तैयार हो गई? किसी की नजर ना लगे, एकदम चांद का टुकड़ा लग रही हो तुम। देखो बेटा, तुम रिलैक्स हो जाओ और जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। हमारे लिए तो अनमोल और तुम में कोई भी फर्क नहीं है, जितना खुश वो इस घर में रहती उतना ही खुश तुम इस घर में रहोगी। और हाँ, शाम को तुम्हें सुशांत के साथ पगफेरे की रस्म के लिए जाना है। ऐसी सूरत लेकर जाओगी तो घर वाले क्या कहेंगे, बड़े जालिम है ससुराल वाले। तो अब से नो रोना धोना, और खुशी खुशी जाना। अरे हाँ हाँ बेटी, ये जो ज्वेलरी है ये खास तुम्हारे लिए है, जब आप जाओगी ना पगफेरे के लिए तो ये पहनना, बहुत बढ़िया लगेगा। सदा सुहागन रहो बेटा। खूब खुश रहिए, खूब खुश रहिए। वो दोनों मार्केट से सब्जी वगैरह लेकर आते ही होंगे, तुम तैयार हो ना? जी आंटी, मैं तैयार हूँ। प्यारी लग रही हो। एक मिनट, काला टीका लगा दूं कहीं किसी की नजर ना लग जाए। तुझे पता है ये साड़ी ना मुझे किशोर के पापा ने लेकर दी थी, अब देखो इस साड़ी में तो कितनी सुंदर लग रही है। जी आंटी, ये तो आपकी साड़ी का ही कमाल है।
इतनी अच्छी अच्छी बातें करती हो तुम। अरे नहीं नवेली, दुल्हन का गला सुना, तूने गले में कुछ भी नहीं पहना, कुछ तो पहन ला। ये नेकलेस कितना सुंदर, ये पहन। अब आंटी ये नेकलेस आप क्यों नहीं पहनकर देखती? अरे मैं कैसे पहन सकती हूँ, ये तुम्हारा नेकलेस है। अरे उसमें क्या हो गया, ट्राई करके देखी तो सही यहाँ पर कैसा लगता है, ट्राई करने में क्या जाता है। आइए आंटी, ये नेकलेस तो ना मुझसे ज्यादा आप पर सूट कर रहा है। खुश, मैंने पहन लिया, चल अब तू पहन, ठीक है? चल खोल दे, निकाल। ये खोल जा। अच्छा क्या जूड़े के पिन से ट्राई करना खोलने की? हा? हाँ जी। अरे कहाँ चली गई, मैंने यहीं तो रखी थी। अनमोल। हाँ निखिल आई। आंटी मैं बाद में ले लूंगी। ये नेकलेस तो मेरे पर ही अच्छा लग रहा है। घर में रहना है तो किराया तो बनता ही है ना। तूने अनमोल, कम से कम एक बार मुझे तो बताया होता, मैं तेरी माँ हूँ, मैं दिल की बात नहीं समझती क्या? पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। मातम बनाना बंद कीजिए, रोना धोना लगा रखा है। और खबरदार खबरदार, जो इस घर में किसी ने अनमोल का नाम भी लिया तो ना कोई उससे कांटेक्ट करेगा और ना ही हम में से कोई उसका जिक्र करेगा इस घर में। हमारे मुंह पे कालक पोत के गई है वो, पूरे समाज के सामने मेरे बाप की रतन सिंह की बेइज्जती कराई है उसने, और इसकी सजा उसे मिलेगी। कितना गलत हुआ इस घर की दोनों बेटियों के साथ, कितने सारे सपने देखे थे। और कहना तो नहीं चाहती पर क्या गलत हुआ? हमारी निधि के साथ जो हुआ है ना अच्छा हुआ, और अनमोल ने जो किया है ना वो उसकी जिम्मेदार खुद है। जैसे भाई साहब, अगर निधि आज इस घर की इज्जत नहीं बचाती ना तो अनमोल ने तो हमें इस काबिल नहीं छोड़ा था कि सारी उम्र समाज को अपनी शक्ल दिखा पाती। इन मिठाइयों का क्या करूं? जाके उस भिखारी पंडित को दे दो, कि बेटे की शादी हुई है ना, औकात तो है नहीं उसकी मिठाई खरीदने की, कम से कम हमारी मिठाई खा के खुशियां मना लेगा। और ये सब फूल माला उतारो यहां से, निधि और सुशांत आ रहे हैं और फेरे की रस्म के लिए। और हाँ माँ आप और चाचा आप दोनों से विनती है मेरी, मातम मनाना रोना धोना बंद कीजिए और अपना हुलिया सुधारिए। बाकी दुनिया को ये मत जताइए कि हमारी बेटी हमारे मुंह पर कालक पोत कर गई है।